रामपुर मृतक आश्रित को नौकरी न देने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने रामपुर बीएसए को मृतक शिक्षक की सभी पत्रावलियों समेत तलब कर लिया है। इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी को हाईकोर्ट में होगी। बता दें कि मृतक आश्रित को नौकरी न देने का यह मामला रामपुर शहर क्षेत्र के मोहल्ला दोमेला रोड का है, जहां निवासी शमा महमूद की ओर से हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसका भाई ताहिर उम्र खां बिलासपुर के नूरपुर गाँव के परिजदीय स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात थे, जिनकी मृत्यु 24 मई 2021 को कोर्ट की वजह से हो गई थी। शिक्षक ने अपनी माता नूर सभा और छोटे भाई आबिद उम्र और उसकी सर्विस बुक में नॉमिनी बनाया था। इसी आधार पर उसने अपने भाई की मृत्यु के उपरांत मृतक आश्रित होने के नाते नौकरी के लिए आवेदन किया था। उसके माँ और भाई ने सहमति भी जताई थी, जिसके बाद भी उसे नौकरी नहीं दी गयी। देखिए, दो मैटर है, एक तो है मृत्यु अनुदोषों के भुगतान का, दूसरा मृतक आश्रित में नियुक्ति का। पिछले साल 24 मई 2021 को मेरे भाई कोविड से उनकी डेथ हुई, उसके बाद 6 जून को हमने अप्लाई करा उनके पेमेंट के लिए, फंड बीमा ग्रेजुएटी ये चीजों के लिए और मृतक आश्रित में नियुक्ति देने के लिए। तो चूंकि वो सर्विस बुक में मुझे और मेरी छोटी बहन को नॉमिनी बना गए थे कि 50-50% या अनुदोष पाने के हकदार होंगे, लेकिन इसमें अननेसेसरी बेसिक शिक्षा अधिकारी से डिमांड की गई कि आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जमा करें, जबकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सिविल कोर्ट से जारी होते हैं, 2-2.5 साल उसमें लग जाते, तब हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। 19 मई को माननीय उच्च न्यायालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को 6 जुलाई के लिए फिजिकली तलब करा और उनको यह आदेश करा कि आपने अब तक इनको एक हफ्ते के अंदर, जबकि कोविड से जो गवर्नमेंट सर्वेंट डेथ हुई है उनके लिए एक हफ्ते में भुगतान करने के आदेश है, आपने अनुपालन में उसके अब तक भुगतान क्यों नहीं करे हैं। तो अब इसमें जो एबीएसए थे विजय कुमार, जो बिलासपुर के खंड शिक्षा अधिकारी थे, उन्होंने हमारे दावे को हाईकोर्ट में खारिज कराने के लिए झूठ का सहारा लिया और माननीय उच्च न्यायालय को ये 1978 का रूल पेश करके गुमराह करा कि मृतक ने जो थे वो नामांकन प्रपत्रों पर आवेदन नहीं किया था और इनका नामांकन जो है वो गैर कानूनी है। उन्होंने 2021 के रूल छुपाए कि योगी सरकार ने जो है एक मानव संपदा पोर्टल बना दिया है और उसमें उत्तर प्रदेश के समस्त 83 विभागों के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का डाटा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस बुक की फॉर्म में रजिस्टर रहेगा और वो डिजिटल रहेगा। वो हमने इलेक्ट्रॉन आईटीआई पर वो सारा डाटा लिया, सारे नामांकन जो भरे थे बोला। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उन्होंने नॉमिनेशन दिए ही नहीं थे तो आपने नोडल अधिकारी हैं खंड शिक्षा अधिकारी, उन्होंने सर्विस बुक में नामों को वेरीफाई क्यों करा। हाईकोर्ट ने इसी बात को उनकी पकड़ लिया, उन्होंने ये बताइए सर्विस बुक जो है ये आपकी है या पिटीशनर फर्जी तैयार करिए। बोले लॉर्डशिप हमारी है। तो उनका फिर आपने इसमें वेरीफाई नाम कैसे कर दिए, आप यहां से इसमें ढिलाई बरती गई है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें एक आदेश पास करा है 1 नवंबर 2022 को और उसमें बीएसए और शिक्षा निदेशक शिक्षा सचिव को यह आदेश करा है कि आप इनका इंटायर पोस्ट ट्रायल बेनिफिट 10% इंटरेस्ट के साथ पे करें। आज 2.5 महीने होगा इसकी कोई कंप्लायंस नहीं हुई है और राज्य सरकार पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिदिन डाला जा रही है इनकी अधिकारियों की लापरवाही से। बीएसए की भी कान 22 को और उसमें बीएसए और शिक्षा निदेशक शिक्षा सचिव को यह आदेश करा है कि आप इनका इंटायर पोस्ट ट्रायल बेनिफिट 10% इंटरेस्ट के साथ पे करें। आज 2.5 महीने होगा इसकी कोई कंप्लायंस नहीं हुई है और राज्य सरकार पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिदिन डाला जा रही है इनकी अधिकारियों की लापरवाही से। बीएसए की भी कान पर कोई जू नहीं रिंग रही है, शिक्षा निदेशक शिक्षा सचिव को भी लिखा और हम निरंतर मुख्यमंत्री जी को भी लिख रहे हैं। ये देखिए स्पीड पोस्ट की तस्वीर है, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब हमने इनको 10 जनवरी को ये एक नोटिस दिया है कि अगर एक हफ्ते में 20 जनवरी तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तो हम माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। दूसरा मुद्दा जो है यह है मृतक आश्रित में नौकरी का, उसके लिए आप इन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक लेटर 9 नवंबर 2021 को जारी करा कि आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र दाखिल करें। ये मेरी छोटी बहन शमा मसूद का मामला है जो उसने मृतक आश्रित में अप्लाई करा था। तो जो आवेदन प्रपत्र है उसमें उसने कहीं नहीं लिखा कि मैं तलाकशुदा हूं, उन्होंने लिखा मैं शादीशुदा हूं, तो आप काय का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं? आज 2.25 साल से आप जानबूझ के अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। इसी पर संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये 10 जनवरी को एक आदेश पास करा है और बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना सिंह से कहा है कि आप जो है इनसे 2 डॉक्यूमेंट सक्सेशन सर्टिफिकेट और
डिवोर्स सर्टिफिकेट कौन से कानून के तहत मांग रहे हैं वो हमें भी बता दें। और आगे उन्होंने आदेशित करा है कि अगर आप इनके अपॉइंटमेंट पर कोई नया लेटर जारी नहीं करती हैं तो 24 जनवरी को सारी पत्रावलियां लेके हाई कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट हो जाएं, बाकी हम पूरा खुद केस को देख लेंगे कि हमें इसमें क्या करना है। अब ये ऑर्डर मैं कल 16 तारीख को, ये मेरी एप्लीकेशन लिखी हुई है, मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी को, जिलाधिकारी को देने जा रहा हूं। ठीक, इस तरीके से पूरे परिवार का हैरेसमेंट हो रहा है। कुल मिला के आपको जो है अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके का? नहीं, देखिए हम शिक्षा निदेशक को कंटिन्यू लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासन आदेश 2 नवंबर 2021 को जारी करा कि जिन सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की कोविड 19 से डेथ हो गई है उनके आश्रितों को 1 हफ्ते के अंदर आप सेवा योजन देंगे उसी विभाग में जिसमें वो मृतक कर्मचारी कार्यरत था, और अगर उसमें संभव नहीं हो तो आप उस शासन से अनुमोदन प्राप्त कर उसको किसी दूसरे विभाग में देंगे। बता दें इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी को हाईकोर्ट में होगी।